लेकिन अब हमें बात करनी है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड बताया मैंने, एक तो जैकोबी मेथड और दूसरा दूसरा जो है गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो पहले जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड बात करें। गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल मेथड एग्जांपल लिया जाए, क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड इटरेशन, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड इटरेटिव मेथड, इटरेटिव वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, 10x + 5y + 2z = 17, 2x + 10y + 3z = 15, x - y + 10z = 10 by Gauss Seidel method। तो देखिए, वैसे तो इक्वेशन जो है अरेंज्ड है ठीक तरीके से, इट इज गॉस सीडल मेथड पढ़ा है, सर ये ग्रेजुएशन का टॉपिक था सर ये। हाँ तो क्या दिक्कत है ग्रेजुएशन का है तो? सर तो मैंने नहीं पढ़ा था ये, मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ी। अच्छा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओहो यस सर। न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं पढ़ी आपने, और किसी ने पढ़ा ये? साइनी है कि नहीं? साइनी, साइनी आपने पढ़ा था ग्रेजुएशन में ये टॉपिक? यस सर। कुछ आइडिया दीजिए क्या करना होगा। सर इसमें अलग सा निकालते थे x1 y1 z1, ऐसे iteration 1 iteration 2, फिर जो iteration 1 वो iteration 2 में यूज करेंगे।
नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं उस ठीक से अरेंज करना है, अरेंज करना होता है, तो यस सर। ये अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं? किस तरह की अरेंजमेंट की बात हो रही है? ठीक जो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना साइनी, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि यक्स का कोफिशिएंट इन कंपैरिजन टू वाई एंड जेड वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। यक्स का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ देखिए यक्स का कोफिशिएंट कितना है, 10 है, यस सर। और वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको यस सर। ये? तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, चाहे जैसे भी लिखा हो, ये मान लीजिए नीचे रहता ऊपर रहता, तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो हम यक्स का कोफिशिएंट, मतलब जिस भी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कंपेरिजन टू वाई एंड जेड लार्जेस्ट है, उसको पहला लिखेंगे, फर्स्ट। तो मैंने वही बोला कि ये फर्स्ट तो ठीक लग रहा है मुझे। अब सेकेंड इक्वेशन उसको करेंगे जिसमें वाई का कोफिशिएंट लार्जेस्ट हो, दिख रहा है आपको? एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है वाई यस कोफिशिएंट, दिख रहा है आपको ये? सर। और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड ये क्या है, जेड का कोफिशिएंट लार्जेस्ट हो, दिख रहा है आपको? यस तो सर। ये यस सर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अब ये कैसे भी दिया रहता लेकिन हम उसको अरेंज कर लेते। तो फर्स्ट इक्वेशन उसको बनाते, और इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज ये होता है कि जब आप इस यक्स के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करें तो हर टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन वन होना चाहिए। ये बात समझ आई? मैंने कहा यस सर। कि अगर डिवाइड करें तो यक्स का जो यक्स के कोफिशिएंट से अगर आप डिवाइड करें तो वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट का जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन वन होना वन चाहिए, ठीक है, यस सर। इक्वल टू बी वन हो सकता यस सर। है। तो ये तो पहली चीज, ये जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगा बताना चाहिए इसे, ये काम। तो इक्वेशन हमें अरेंज हो गया। अब अरेंज करने के बाद आपको करना क्या है, गॉस सीडल मेथड। तो देखिए इसका जो, तो पहले तो इसे आप डिवाइड कर लीजिए 10 से, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 10 से, मतलब एक साइड एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड में 17 था ना, तो ये मैं एक्स एक साइड कर रहा हूँ, इसको चेक करिएगा, फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ 10 से डिवाइड करने के बाद, तो 1.7 ठीक है, माइनस 0.5, 0.5 वाई माइनस 0.2 जेड, ठीक है, ठीक है, यस सर। फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वाले की बात करें तो वाई इज इक्वल टू, 10 से डिवाइड किया फिर से, 1.5 माइनस 0.2 एक्स माइनस 0.3 जेड, ठीक है ये, यस सर। और जेड जो हुआ इसी तरह से, जेड हुआ आपका 1 माइनस 0.1 एक्स
माइनस प्लस 0.1y, करेक्ट है ये? यस सर। तो गॉस सेडल मेथड ये कहता है, ये तो गॉस सेडल, मैं इटरेटिव मेथड यूज कर रहा हूँ, इटरेशन यूज कर रहा हूँ, यहां तक तो निकालने में कोई समस्या नहीं है। तो ये कहता है कि जो इसका nth इटरेशन है, यहाँ पे इस पेन का यूज करता हूँ, nth इटरेशन जो है, ठीक है, nth इटरेशन 1.7, ये अपने प्रीवियस इटरेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब y n माइनस वन, मतलब y और z की वैल्यू पहले वाली चाहिए पुरानी, और यहाँ हो गया n माइनस वन, और इसके बिहाफ पे आपको, मतलब अगर आपको y और z पता होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको x मिल जाएगा, ठीक है। अब जब ये x मिल गया तो इस x का यूज करेंगे हम, जो नया वाला x मिला इसका यूज करेंगे हम y को निकालने के लिए। तो y की वैल्यू, ये y nth इटरेशन 1.5 माइनस ये वैल्यू x की यूज होगी, और जेड की वही पुरानी वैल्यू यूज होगी जो पहले यूज हुई थी। एक बात समझ आ रही है, y और जेड की जो इनिशियल वैल्यू है वो यूज होगी एक्स एन निकालने के लिए, जो प्रीवियस वैल्यू है वो यूज होगी एक्स निकालने के लिए, एक्स एन। जब ये एक्स एन निकल गया तो हम वाई एन निकालने के लिए इस एक्स को यूज करेंगे, दिख रहा है एक्स आपको, और जेड वही पुरानी वैल्यू रिपीट हुई, अब जब हमारे पास एक्स एन और वाई एन दोनों आ गए तो जो जेड निकलेगा एनथ वैल्यू, तो इसमें पुराने ये दोनों वैल्यूज यानी कि एक्स वाला और वाई दोनों जो है यूज होगा। किसी कोई डाउट? नो सर। और एन है आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि मैंने सिंपली ये किया। देखिए ध्यान से कि हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से कि फर्स्ट इक्वेशन हम वो लिखें जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट हो इन कंपैरिजन टू वाई एंड जेड। सेकंड, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर टर्म का जो कोएफिशिएंट है जब एक्स को एक्सप्रेस करें तो वो लेस देन वन आए वाई और जेड। सेकेंड इक्वेशन मतलब वाई का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट हो, थर्ड इक्वेशन मतलब जेड का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट हो। ऐसा करने के बाद हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। एक्स वाई जेड निकालने के बाद हमने क्या किया कि nth इटरेशन की अगर बात करें तो nth इटरेशन केवल फर्स्ट x में ही x है, देखिए तो y की प्रीवियस वैल्यू z की प्रीवियस वैल्यू से nth इटरेशन मिल जाएगा। और अगर ये xn मिल गया तो yn निकालने का यूज xn में किया जाएगा, तो y nth डेरिवेटिव करो, nth इटरेशन इटरेटेड वैल्यू के लिए आपको x मिल गया तो x आपने यूज कर लिया, y अभी नहीं मिला है तो y, z नहीं मिला है तो z की प्रीवियस वैल्यू यूज हुई, और z के लिए x और y दोनों मिल चुके हैं इसलिए हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो मैं इसमें यूज करता हूँ इसे, यहाँ इसमें x की वैल्यू भी यूज हो गई और y की वैल्यू भी यूज हो गई। तो ये फॉर्मूला है, तो अब बताइए एक्स वन क्या आएगा, एक्स वन फर्स्ट इटरेशन, वन पॉइंट सेवन, 0.5 इनिशियल वैल्यू वाई जीरो माइनस 0.2 जेड इनिशियल वैल्यू जीरो, इनिशियल वैल्यू
एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो क्या होगा, ये भी बात कर ले। एक्स जीरो वाई जीरो और जेड जीरो, इसको आप बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, ये होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट वेक्टर दी हुई थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट वेक्टर दिया था, 1.7, सेकेंड 1.5 और थर्ड 1, तो ये आपकी इनिशियल वैल्यूज होगी। सही करेक्ट है, समझ आया? यस सर। ये इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे आप, ये जो रिक्वायरमेंट वेक्टर ये दिख रहा है आपको, ये इनिशियल है। तो अब यहां अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1.7 माइनस 0.5, वाई जीरो की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1.5, और माइनस 0.2 और जेड जीरो की वैल्यू हम लेंगे 1। समझ आ रहे मेरी बात? तो ये एक्स वन मिलेगा हमारे पास 0.75। अब इसी तरीके से हम एक्स टू निकालें, एक्स टू निकालें तो एक्स टू की वैल्यू आएगी, सॉरी एक्स टू कहां से आ गया, हाँ वाई वन निकालें तो वाई वन की वैल्यू क्या होगी, 1.5 माइनस 0.2 एक्स वन, ठीक है। जेड की कौन सी वैल्यू लेनी है, पुरानी वाली जेड जीरो। समझ आ रहा है मेरी बात? वाई वन इज, तो यहां पे अगर आपने वैल्यू रखा, और तो मैं एक पूरा लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, माइनस 0.2। हितेश आपको समझ आ रहा है? यस सर। 75 माइनस 0.3 और ये हो गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 1.05। तो वाई वन निकल गया। वाई वन निकालने के बाद उसके बाद हम जेड की फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस 0.1। अब कोई समस्या नहीं, एक्स भी निकल चुका है, एक्स 1 और प्लस 0.1 फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू हमने निकाली थी 1 माइनस 0.1, एक्स वन हमने निकाला था 0.75 और प्लस 0.1 और वाई वन निकाला था 1.05। ये आपको कैलकुलेट होके आएगा 1.03। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल गया, फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू। सेकेंड इटरेटिव वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको सानी बोलिए तो क्या लिखें, x2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.7 माइनस 0.5 बाय 1 y1 माइनस 0.2 z1 0.2 गुड z1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये हम y1 और z1 निकाल ही चुके हैं, तो यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.969। y2 निकालेंगे, y2 के लिए बोलिए 1.5 माइनस 0.2 x2 x2 माइनस 0.3 जेड वन, हाँ गुड। बस यही ध्यान देना है सेडल में, और सेडल बहुत पूछा जाता है गेट में, इसलिए मैंने पहले सेडल को प्रीफर किया बताना। जेड वन तो ये आ जाएगा 0.9972 और जेड टू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस
0.1 x2 - 0.1 y2 प्लस 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 0.1 y2 ये हो जाएगा आपका 1.0028। अब इस प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली मतलब कब तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक कि वैल्यूज जो है रिपीट ना होने लगे। ये सेकंड इटरेटिव वैल्यूज है, सेकंड इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, ऐसे जब रिपीट होने लगेगा तो लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आने लगे। मतलब मैंने थर्ड इटरेशन किया तो थर्ड इटरेशन में जो आ रहा है वही फोर्थ इटरेशन में आ रहा है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा। तो हम कहेंगे कि अब प्रोसेस ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वैसे खैर आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट इटरेटिव वैल्यू बताइए, सेकेंड इटरेटिव वैल्यू बताइए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना है और आप तुरंत बता सकते हैं। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, गेट का ही पूछा हुआ। क्रॉस सेडल मेथड पे ये है क्वेश्चन, गेट 2011 का है, 2011 क्या है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the system of equations, equations थोड़ा बड़ा करें, 5 2 1 - 2 5 2 2 5 2 - 1 2 8 -1 2 8 एक्स मतलब x1 x2 x3 और बी है आपका 13 - 22 13 - 22 और 14। विथ द इनिशियल गेस ऑफ द सॉल्यूशन इसमें गिवन है आपको, इनिशियल गेस आपको गिवन है x1 0 x2 0 और x3 0 एंड दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए कॉलम वेक्टर एक्चुअली 1 1 1 ट्रांसपोज। The approximate value of the solution solution है x1 1 x2 1 और x3 1 ट्रांसपोज आफ्टर वन इटरेशन
वन इटरेशन, वन इटरेशन बाय गॉस, बाय द गॉस सीडियल, गॉस सीडल, गॉस सीडल मेथड इज वैल्यू गिवन भी है. फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 2, -4.4, 1.625 ट्रांसपोज, सेकेंड 2, -4, -3, 2, -4, -3 ट्रांसपोज, थर्ड ऑप्शन है 2, 4.4 और 1.625 ट्रांसपोज, डी ऑप्शन है 2, -4, 3 ट्रांसपोज. क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या करें. फर्स्ट इटरेशन आपको बताना है. इनिशियल आपको पता है, कौन करेगा मेरी बहन? अब देखिए इसमें अरेंज तो है ही, दिख रहा होगा, दिख रहा है अरेंज इक्वेशन? यस सर, एकदम अरेंज है ना. जैसे मैंने बोला x का क्वेश्चन लार्जेस्ट है पहले वाले में, y का क्वेश्चन सेकंड में लार्जेस्ट है सेकंड इक्वेशन में, z में थर्ड का क्वेश्चन लार्जेस्ट है, ऑटोमेटिकली सेट है, कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है. बोलेगा या किसी का आ गया तो बताए. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही बताना है. चलिए साइन शुरू करिए, बताइए क्या लिखना है, स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले x1 लिखेंगे. एक्स वन बता दीजिए सर. 13 सर, 1/5 कॉमन ले लेंगे ना, तो 13 -1/5, सबसे पहले 1/5 फिर ब्रैकेट 13 -2x2 -x3. ठीक है, एक्स टू, एक्स टू सर 1/5 कॉमन ले लेंगे इसमें भी. यस सर. -22 +2x1 -2x3 थर्ड x3 सर 1/8 कॉमन लेंगे. ठीक है, 14 +x1 -2x2. अब फॉर्मूला बनाएंगे. यस सर. तो x1 निकालना है ना, तो क्यों x1 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी जीरो लेनी है ना. x2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर? x1 का 1 लेंगे और x3 का 0. ये इनिशियल. हाँ ठीक है,
एक्स थ्री वाले में वन लेना है तो दोनों का वन वन ठीक है। चलिए पहले वाले पे देखते हैं, तो एक्स वन वन क्या आएगा, वन बाई फाइव थर्टीन माइनस एक्स टू जीरो, ये तो वन ही है, वन दिया ना शायद, सब वन वन दिए, तो थर्टीन माइनस टू माइनस वन कितना आ जाएगा, थर्टीन माइनस थ्री टू हो जाएगा। और x20 बताइए जरा, सॉरी x21 बताइए, वन बाई फाइव माइनस ट्वेंटी टू प्लस टू एक्स वन, तो फोर लिख दूं मैं यहाँ, यस सर, टू इंटू टू माइनस टू एक्स थ्री, मतलब माइनस टू लिख दूं, यस सर, ये कितना हो गया माइनस फोर, माइनस फोर एक्स थ्री वन वन बाई एट, बोलिए वन बाई एट फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू माइनस टू एक्स टू, तो एट हो जाए, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस एट, सही है, कितना हो गया, आठ दो दस और चौदह ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर थ्री आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, यस सर, तो टू माइनस फोर थ्री है कहीं पे, यस सर,